हेलो दोस्तों, आज आगे कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एक वर्ष में बार ज्ञात करेंगे। जैसे आपको कोई ये पूछे 3 मार्च 1999 को मंगलवार आता है, तो बताओ उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस बार को मनाएंगे? अब इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो हमें यह पढ़ना होगा कि 3 मार्च के बाद आता है 15 अगस्त, तो हम यहां लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 3 रखाएंगे तो यहां 28 आ जाएंगे, प्लस अप्रैल पूरा रहेगा, मई का पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा और 15 अगस्त। हम इसको सॉल्व बना लेंगे, इट मीन्स इसमें 7 का भाग दे देंगे तो यहां सिस्टम 0 आता है, यहां 2 आता है, यहां 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब हम यहां भी काट सकते हैं, 2 और 3 5 और 2 7, इट मीन्स 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, 4 सेसफल प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न में हमें आगे का बार पूछा है, तो यहां मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार दिया हुआ है, तो मंगलवार में 4 बार ऐड करेंगे, तो 4 बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यह राइट आंसर क्या होगा? शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहां देखेंगे, 15 अप्रैल 1999 को बुधवार आता है, तो बताओ 5 जनवरी 1999 को कौन सा बार होगा या कौन सा बार था? दैट्स ऑल दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमें पीछे का लेकर आगे पूछा था, इस प्रश्न में हमें अपोजिट पूछा है, पहले हमें आगे का दिया है, बाद में हमें पीछे के दिनों का बार पूछा है, तो हम यहां क्या करेंगे, अंतर करेंगे यहां जनवरी, क्योंकि जनवरी है लास्ट, प्लस फरवरी, मार्च, अप्रैल, जहां तक दिया हुआ हो वो हम यहां लिख लेंगे। अब जनवरी के 5 तारीख दे रखा है, तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 ले तो जनवरी के 26, प्लस अब हमें यहां फरवरी देखना है, वर्ष हमारे पास साधारण है, 1999 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो वर्ष साधारण है, साधारण का मतलब 28 की फरवरी आती है, प्लस मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल, अप्रैल की 15 तारीख दे रखी है, अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं, तो 30 में से हम 15 घटाएंगे तो यहां 15 बच गया। आगे हम 7 का भाग देंगे, 7 इसलिए देते हैं कि बार 7 होते हैं,
सात का भाग दिया तो सात 21 बच गए 5 प्लस 728 0, यहां 3 और यहां 1। फिर हम 7 से फिर काट सकते हैं, 5 और 2 7 1 बच गया, 1 प्लस 1 बराबर 2। अब हमें आगे का देकर पीछे पूछा है, तो बुधवार में बुधवार माइनस 2 बराबर, अब बुधवार में 2 घटाएंगे, मंगलवार सोमवार, तो आपका राइट आंसर यहां क्या निकल के आ जाएगा, सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइप लेंगे हम बार याद करना, दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न चाहे आप 20 साल बाद के निकाल सकते हो, 20 साल पहले का निकाल सकते हो, अपना जन्मदिन की सही वार याद कर सकते हो। जैसे आज तारीख 31 मई 2021, सबसे पहले हम इसकी टिक देखेंगे, तारीख है तो यहां तारीख लिखेंगे, तारीख प्लस लगाएंगे, माह है ये, महीना है तो यहां माह लिख देंगे, प्लस शताब्दी है 2000 शताब्दी है, बीत चुकी है 2000, प्लस वर्ष, प्लस 21 वर्षों में कितना लीप आया, लीप, इनमें हम 7 का भाग देंगे, इन सब को जोड़ करके 7 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 आता है तो हमारा आंसर रविवार होगा, यदि शेषफल 2 आता है तो हमारा आंसर सोमवार आएगा, यदि शेषफल 3 आता है तो हमारा आंसर मंगलवार होगा, यदि रिमाइंडर शेषफल 4 आते हैं तो उत्तर बुधवार होगा, 5 आता है गुरुवार होगा, 6 शेषफल आता है शुक्रवार होगा, और 0 शेषफल आएगा हमारा आंसर शनिवार होगा। दोस्तों किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर कभी भी वो शेषफल नहीं आता, जैसे हमने यहां 7 का भाग देंगे तो 7 कभी भी शेषफल नहीं आएंगे, हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 0 है। अब हमें एक सारणी बनाएंगे, यहां पर हम उस सारणी में सबसे पहले लिखेंगे माह, फिर लिखेंगे माह कोड, अब माह कोड में एक साधारण वर्ष का महीना होता है और दूसरा लीप का कोड होता है, यानी लीप वर्ष का कोड होता है, तो एक टेबल बना लेंगे, टेबल में हम जनवरी लिखेंगे, जनवरी, यहां हम साधारण वर्ष के लिख रहे हैं या हम लीप वर्ष के लिखेंगे, पहले हम साधारण वर्ष का लिख लेते हैं, साधारण में जनवरी का कोड 1 होगा, फिर महीना हमारा फरवरी आता है, फरवरी का कोड हमारा 4 होगा, फिर हमारा मार्च आता है, मार्च का कोड 4 होगा,
फिर अप्रैल आता है, अप्रैल का कोड 0 होगा, मई आता है, मई का कोड 2 होगा, जून आता है, जून का कोड 5 होगा, जुलाई आता है, जुलाई का कोड 0 होगा, अगस्त आता है, अगस्त का कोड 3 होगा, फिर यहां पर हम बढ़ा लेंगे सितंबर, सितंबर का कोड 6 होगा, फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर का कोड 1 होगा, नवंबर आएगा, नवंबर का कोड 4 होगा, दिसंबर आएगा, दिसंबर का कोड 6 होगा। अब हम साधारण वर्ष के कंप्लीट कर लिए, अब लीप वर्ष में हमें सिर्फ 2 महीने की चेंज करने हैं, बाकी नहीं बदलेंगे। एक तो जनवरी का, इसमें 1 घटा देंगे, 1 है तो 1 घटाएंगे, 0 बच गया। फरवरी के 4 है, इसमें 1 घटाए तो 3, बाकी बदलेंगे नहीं, नो चेंज, ये बदलते नहीं है, चाहे साधारण वर्ष के हो चाहे लीप वर्ष के हो, नो चेंज। अब हमारे पास यहां तारीख 31 आ गई, प्लस आ गया, महीना मई का है, मई में कोड 2 होते हैं, तो यहां पर 2 लगा दीजिए प्लस। अब यहां 2021, 2000वीं शताब्दी है, तो हम शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात करेंगे? एक छोटा सा फॉर्मूला है, शानदार है, शताब्दी कोड। जिस शताब्दी में 400 का भाग देंगे, जैसे 2000 है, 2000 में हम 400 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 00 आया, तो यहां हम शेषफल लिखेंगे और यहां कोड लिख देंगे। यदि शेषफल 00 आता है तो कोड 6 लिखेंगे, यदि शेषफल 100 आता है तो कोड हम 4 लिखेंगे, यदि शेषफल 200 आता है तो कोड 2 लिखेंगे, यदि शेषफल 300 आता है तो कोड 00 लिखेंगे। आप किसी भी शताब्दी, जैसे 1915, अब 1900 में हमें 400 का भाग देना है तो 300 शेषफल निकल के सामने आ रहे हैं, तो 300 का कोड क्या होगा? 00 होगा। हमारे यहां 2021 है, 2000वीं शताब्दी है, 2000वीं शताब्दी में 400 का भाग देंगे तो हमारे पास 00 शेषफल आए, तो 0 का कोड यहां 6 होता है प्लस। आगे हमारे सूत्र में वर्ष दे रखा है, वर्ष 21 प्लस लीप वर्ष, 21 सालों में लीप कितनी बार आया? 4 साल में 1 बार आता है, तो 20 सालों में लीप वर्ष 5 बार आएगा। जो शेषफल बचा उसको छोड़ दो, जैसे 2015, तो 15 वर्ष हुए, 15 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, 3 हमारे पास लीप वर्ष आएंगे, बटा 7। या तो छोटे बना लो इसको या सभी को जोड़ लो, छोटे बना लो, 728, 3 बच गया, 7 × 21, 0 बचा, 2 और 5, 7, 3 और 6, 9 काट दिया, शेषफल हमारा 2 बचा। अब 2 हमारे पास सामने आते हैं शेषफल, तो 2 के तरीके से हमारा कौन सा बार है? आज सोमवार, तो हमारा राइट आंसर
हमारे पास निकल के आ जाएगा, सोमवार हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? पंद्रह तारीख हो गई, महीना अगस्त है, अगस्त का कोड 3 होता है, 1900 शताब्दी है, 1900 का कोड 0 है, 47 वर्ष है, 47 वर्षों में 11 बार लीप आया है और बटा 7, 7 का भाग दिया 1 से शेषफल बचा, 7 का भाग दिया 47 में 5 से शेषफल बचा, 11 में दिया 4 से शेषफल बचा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 में हम 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल प्राप्त हुआ। 6 किसका कोण है? शुक्रवार का। तो हमारा भारत देश शुक्रवार को आजाद हुआ था, शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? That's all। तारीख 26 है, जो का त्यों जनवरी का महीना है, जनवरी और फरवरी के लीप और साधारण वर्ष के कोण अलग होते हैं, तो हमें यहां वर्ष देखना होता है। 1950 है, 1950 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कोण 1 होता है, प्लस 1900 शताब्दी है, 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आता है। वर्ष 50 है, 50 सालों में लीप 12 बार आता है, अब 12 में हम 7 का भाग देंगे, सारी संख्याओं को जोड़ करके 7 का भाग लगा दो या इसको शॉर्ट बना लो। 26 में 7 का भाग दिया, 7 21 बच गए 5, 7 7 49 बच गया 1, 7 का भाग 12 में दिया तो बच गया 5, 5 और 1 6 6 1 7 7 और 5 12, 12 में हम फिर 7 का भाग देंगे, 7 1 7 5 शेषफल बचा, 5 शेषफल हमारे पास आया, तो 5 किस बार का कोण है? वो गुरुवार का आएगा। इट मींस हमारा भारत देश गुरुवार के दिन गणतंत्र बना था। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे महीना के बार समान होना, समान होना, महीनों के बार समान होना। इसमें भी हम एक छोटी सी ट्रिक, जो पूर्व में हम लिखे भी थे, कोड लिखना पड़ेगा आपको, याद करने पड़ेंगे, अपने दोस्त के फोन नंबर हैं, इस प्रकार याद कर लो। जनवरी लिख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। यहां साधारण वर्ष का ले लो और ये लीप वर्ष का ले लो। साधारण का जनवरी 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये तो आप कोड रट लिए होंगे। लीप में
सिर्फ 2 महीने चेंज होते हैं, एक एक कम हो जाएगा, बाकी नो चेंज। जैसे हमें कोई यहां पर प्रश्न पूछता है 7 जनवरी 2021 को गुरुवार आता है, तो बताओ उस वर्ष में किस माह की 7 तारीख को गुरुवार होगा, इट मीन्स बार समान होगा। दोस्तों हम यहां ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 1 में लिखेंगे जून, 2 में लिखेंगे जुलाई, सी में लिखेंगे दिसंबर, डी में लिखेंगे अक्टूबर। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हमें यह ज्ञात करना होगा 7 जनवरी 2021, जनवरी आया है तो लीप और साधारण का ध्यान रखना है, तो 2021 साधारण वर्ष है, तो साधारण के कोड ये है, इट मीन्स जनवरी का कोड एक है, तो उस साधारण वर्ष में किस महीने का कोड एक आता है, अक्टूबर का है, तो यहां आपका आंसर डी राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे आपको यहां पूछा है वो ये कह रहा है 15 फरवरी 2016 को गुरुवार आता है, तो बताओ उस वर्ष किस माह की 15 तारीख को गुरुवार होगा, दैट्स ऑल। 15 फरवरी 2016 इसका मतलब लीप वर्ष है, लीप वर्ष का फरवरी का कोड क्या है, तो यहां टेबल में आएंगे 3 कोड है, किस माह की 15 तारीख को वो ही बार आएगा, 3 कोड लीप वर्ष में है, हमें 3 में ही लीप वाले ही खाने में देखना है, उसके सामने देखना है, तो हमारा यहां अगस्त आंसर प्राप्त हो रहा है। क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है? अगस्त, अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला रहेगा कैलेंडर समान होना, कैलेंडर समान होना, दोस्तों यहां नोट लगा के लिखेंगे, नोट, उन वर्षों का कैलेंडर समान होगा जिनके मध्य का अंतर
सात हो। अभी इसको समझाएंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा है यदि 1962 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी में दिया है 1972, ऑप्शन सी में दिया है 1973, ऑप्शन डी में दिया है 1990। दोस्तों हमें किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के सॉल्व करने हैं, यहां सॉल्व लिखिए। सबसे पहले उन वर्षों के कैलेंडर समान होंगे जिनके मध्य का अंतर, इसका मध्य का अंतर कितना है, 3, 62 है और 1965 है, 3 है। और 62 और 65 के मध्य लीप कितनी बार आया, 1 बार आया, 3 और 1 को जोड़ा 4 हो गए, 4 7 का गुणज नहीं है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। 62 और 72 का देखते हैं, 10 सालों का अंतर है, 62 और 72 में लीप कितनी बार आया, 1 बार 64 में आ गया, 1 बार 68 में आ गया, 1 बार 72 में आ गया, तो 3 और 10 कितने हो गए, 13। 13 में 7 का भाग नहीं जाता है, 13 7 का गुणज नहीं है तो ये भी यहां पर रॉन्ग है। 62 और यहां 73 तो 11 का अंतर तो ये आ गया, 62 और 73 के मध्य लीप कितनी बार आया, 1 64 में आ गया, 1 68 में आ गया, 1 72 में आ गया, 3 बार आ गया, तो ये 14, ये 7 का गुणज है, इसलिए आपका राइट आंसर 1973 होगा, 1973, तो यहां हम सी राइट आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1969 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। सर्वप्रथम तो हम ये भी देखेंगे यहां साधारण वर्ष है तो इसका साधारण वर्ष ही आंसर होगा, गुणेतर और 2000 में अंतर देखना है, उन वर्षों के कैलेंडर समान होंगे जिनके मध्य का अंतर, मध्य का अंतर निकाल लो, 2001 तो ये हो गया 31 32 सालों का अंतर, ये हो गया, प्लस लगा दो, गुणेतर और 2000 में लीप कितनी बार आता है, देखो 72 में आया, 76 में आया, 80 में आया, 84 में आया, तो यहां लिखते जाओ 72 76 80 84 88 92 96 और 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ जोड़ दो, 32 और 8 40 होते हैं, 40 7 का गुणज नहीं है इसलिए ये आपका गलत है, 69 और 2002 मध्य का अंतर, मध्य का अंतर कितना आया, 33 प्लस 8, क्योंकि 8 ही आएगा इनका 2000, तो 41 41 भी 7 का गुणज नहीं है, 69
और 2002 34 प्लस 8 बराबर 42, ये 7 का गुणज है, अतः 2003 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी सॉल्व करें तो ये जरूर ध्यान रखना 1964 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यह लीप है, तो हमारा जो कैलेंडर अगला वर्ष आएगा वो भी लीप वाला ही होगा। लीप नहीं है तो इन पे हम क्यों जोर लगाए? लीप वर्ष है, इन दोनों में ही देखें, पहले इसका देख लेते हैं 64 और 1992, जिनके मध्य का क्या करना है, अंतर करना है। 64 और 92 घटा दो, 1992 माइनस 1964, तो 12 में से 8 और यहां बच गए 8, 28। 28 तो आपका ये मध्य का अंतर गया। लीप वर्ष का योग देखो, 64 में आया 1, 68 में आया 72, 76, 80, 84, 88। या तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में फर्स्ट वाला ले लो या अंतिम वाला लीप ले सकते हो, एक ही लेना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 7, 28 और 7 35, 7 का गुणज है, तो आपका राइट आंसर बी निकल के आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। एक ही मास के बार ज्ञात करना, इसमें हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, जैसे यदि दस तारीख के 5 दिन पहले मंगलवार था तो बताओ उसी माह की दस तारीख के 10 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो सोलह कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सरल तरीके से लिख लेंगे, 10 तारीख के 5 दिन पहले, इट मीन्स 5 बिता देंगे, तो यहां 5 को क्या आ गया, मंगलवार। 10 तारीख के 10 दिन बाद जोड़ देंगे, बाद है तो जोड़ेंगे 20, 20 तारीख को हमें यहां पूछा है कौन सा वार है। सबसे पहले हम अंतर करते हैं, डिफरेंट करेंगे, 20 माइनस 5 बराबर 15, 15 में हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिए
तो हमारे पास शेषफल एक आता है, एक आया। अब हमें देखना क्या है, पांच तारीख का दिया हुआ है, बीस का पूछा है, इट मींस आगे का बार पूछा है, तो आगे का मतलब हम इसको जोड़ देंगे, मंगलवार प्लस एक, तो हमारा उत्तर निकल के सामने आ जाएगा, बुधवार हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि 15 तारीख के 5 दिन बाद रविवार आता है तो बताओ उसी माह की पंद्रह तारीख के 8 दिन पहले कौन सा वार था। दोस्तों सॉल्व आउट करेंगे, उसमें हम किस प्रकार से करना है वो ही सिंपल, 15 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि बाद का दिया हुआ है, तो 20 तारीख को क्या था, रविवार, 15 के 8 दिन पहले 15 - 8 = 7 पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहां अंतर करेंगे, 20 - 7 = 13, 13 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 6 आते हैं, 6 आएंगे। अब देखो यहां पर बाद का दिया हुआ है, इट मींस 20 का दिया हुआ है और 7 पहले आती है तो घटाएंगे, रविवार में हम 6 घटाएंगे तो घटा तो वही 6, शनिवार शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, तो आपका आंसर यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, जैसे हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, यदि आज के 2 दिन बाद शनिवार आता है तो बताओ आज के 3 दिन पहले कौन सा बार होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में एक लाइन खींच लो जो आज है, आज के 2 दिन बाद 1 और 2, बाद का मतलब यहां आगे नहीं, तो आपका यहां शनिवार लिख लो। आज के 3 दिन पहले ये आज है, 3 दिन पहले 1, 2 और ये 3 यहां आपको पूछा गया, यहां शनिवार है। उल्टा क्रम में चलेंगे, शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, तो आपका यहां उत्तर आ जाएगा सोमवार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज के 2 दिन बाद रविवार हो तो आज के 8 दिन पहले कौन सा बार था। दोस्तों वही तरीका, एक लाइन खींच लो जो आज है, आज के 2 दिन बाद 1, 2 रविवार था, तो आज के 8 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वापस गणना करनी है, शनिवार शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार रविवार शनिवार
शुक्रवार, गुरुवार। तो आपका आंसर यहां क्या निकल के आ जाएगा, गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुवार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज के 3 दिन पहले शुक्रवार आता है तो बताओ आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। दैट्स ऑल, वो हमें लाइन खींचनी है। आज 3 दिन पहले 1 2 3 क्या था, शुक्रवार। आज 2 दिन बाद ये आपको पूछा है, हमें आगे का पूछा है तो काउंटेबल आगे करेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका राइट आंसर बुधवार हो जाएगा, बुधवार राइट आंसर। दोस्तों कैलेंडर का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम रैंकिंग श्रेणी क्रम का लेकर आएंगे। ओके दोस्तों।